प्रगति की प्रक्रिया अभी भी जारी है और शीतलहर के कहर के साथ ही बारिश भी हो रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। धान खरीदी की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तमाम दावे किए थे, लेकिन धान मंडियों में किसानों के धान को लेकर किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं की गई है। लगभग 75% तक धान भीगा हुआ है और खराब होने की कगार पर धान पहुंच गया है। खरीदी केंद्रों का जायजा लिया है संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। मौसम विभाग ने कुछ दिनों पहले ही बारिश का अंदेशा जताया था, जिसे लेकर के प्रशासन ने कहा था कि जो धान है उसके बचाव के लिए प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे धान है वो खुले में पड़े हुए हैं, भीग चुके हैं। धान को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम आपको धान के बोरे दिखाना चाहेंगे। देखिए ये धान के जो बोरे हैं तमाम वो भीगे हुए हैं, खुले में पड़े हुए धान। ये देखिए ये जो धान है ये भीग चुके हैं सारे। तो अब इसे क्या करेगी प्रशासन? ये जो धान है 75% धान जो है वो भीग चुके हैं, और जो सरकार है वो तमाम दावे करती है कि ये जो धान है उसे बचाने को लेकर के हम प्रयास करेंगे। लेकिन इस केंद्र में आकर के तो सरकार के जो दावे हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सारी जो बोरियां हैं वो भीगी हुई है, साथ ही बोरियों के अंदर जो धान है वो भी खुले में पड़े हुए हैं, ये भी भीगे हुए हैं। अब इस भीगे हुए धान का सरकार इसे सुखाने के लिए क्या उपाय करेगी, या फिर ये धान खराब होते हैं ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रायपुर के पशुपेड़ी नाका इलाके में